हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। बीसीसीआई ने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बिड जारी कर दी है। आपको ये बता दें कि इस बार का जो आईपीएल है वो 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। बिड की जो आखिरी तारीख है वो है 14 अगस्त। 14 अगस्त से पहले सबको अपनी एंट्री जमा करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें 300 करोड़ रुपए का क्या खेल है, आइए वो आपको बताते हैं। आईपीएल के नए स्पॉन्सर की खोज का काम शुरू हो गया है। इस बार जो स्पॉन्सरशिप की जाएगी वो 18 अगस्त 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए होगी। बीसीसीआई के बयान में कहा गया है कि इसके बारे में विस्तार से जानकारी उन्हीं पक्षों को दी जाएगी जो ईओआई यानी एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जमा करेंगे और योग्य पाए जाएंगे। बीसीसीआई की ओर से भी कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही स्पॉन्सरशिप मिले, जबकि अमूमन होता यही है कि जो भी कंपनी सबसे ज्यादा बिड लगाती है उसे स्पॉन्सरशिप दी जाती है। इसमें कहा गया है कि बीसीसीआई का फैसला कई बातों पर भी निर्भर करेगा। स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई के मुताबिक सिर्फ उन्हीं कंपनियों के टेंडर स्वीकार किए जाएंगे जिनका टर्नओवर पिछले ऑडिट खातों के मुताबिक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो। बड़ी बात यह भी है कि बोली के साथ जांचे गए खातों की कॉपी भी जमा करनी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मध्यस्थ या एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते और ऐसी बोलियां रद्द की जाएंगी। साथ ही साथ ना तो बीसीसीआई और ना ही इसके अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से किसी भी कीमत, देनदारियों, नुकसान या किसी भी प्रकार के खर्च के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये तो थी कुछ बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आईपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल का कहना है कि 18 अगस्त तक आईपीएल को नया टाइटल स्पॉन्सर मिल जाएगा, यानी कि 10 दिन से कम वक्त में भी पता लग जाएगा कि इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा। आपको बता दें कि भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय बोर्ड और वीवो के बीच अनुबंध इस साल के लिए रद्द कर दिया गया। बताया ये भी जाता है कि चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इस साल के लिए आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से खुद ही पीछे हट गई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बोलियां जमा करने के लिए 13 बिंदुओं की घोषणा की। अधिकार पाने वाले के नाम का ऐलान 18 अगस्त को किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से नई कंपनियों को स्पॉन्सरशिप 31 दिसंबर 2020 तक के लिए दी जाएगी उससे साफ है कि आने वाले साल यानी 2021 में वीवो की एक बार फिर वापसी होती दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आईपीएल को यूएई में आयोजित कराने के लिए भारत सरकार की तरफ से भी लिखित मंजूरी मिल गई है। इससे पहले गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले ही मंजूरी मिल गई थी, यानी अब आईपीएल के रास्ते में जो भी रुकावट थी वो सब दूर हो चुकी है। आईपीएल चेयरमैन बृजेश पटेल ने बताया कि अब आईपीएल को यूएई में कराने के लिए सरकार भी लिखित मंजूरी दे चुकी है। उनसे पूछा गया था कि क्या गृह और विदेश मंत्रालय दोनों ने लिखित में मंजूरी दे दी है। इसके जवाब में पटेल ने हामी भरी। वहीं बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हमने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में बता दिया है, अब लिखित मंजूरी की जानकारी यूएई को दी जाएगी। वहीं जहां तक आईपीएल के लिए टीमों के यूएई रवाना होने की बात है तो ज्यादातर टीमें 20 अगस्त के बाद रवाना होगी। उन्हें रवानगी से पहले 24 घंटे के भीतर 2 RT-PCR टेस्ट कराने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स 22 अगस्त को रवाना होगी, जिसका चेपाको स्टेडियम पर एक छोटा शिविर लगाया जाएगा। बाकी टीमों की भी डिटेल धीरे धीरे सामने आने वाली है। तो ये तो बात थी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर, जिसके बारे में हमने आपको लेटेस्ट अपडेट दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।